बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम रिएक्ट जेएस के साथ बूटस्ट्रैप को ऐड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, npx create react app, आगे प्रोजेक्ट का नाम, तो वो मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। वो प्रोजेक्ट का नाम है रिएक्ट ऐप विद बूटस्ट्रैप। तो मैंने ये प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पे क्रिएट किया, उसके बाद cd और रिएक्ट ऐप बूटस्ट्रैप इस प्रोजेक्ट में मैं अंदर आ गया। अब आपको बूटस्ट्रैप के पैकेज इंस्टॉल करने हैं, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। ये भी मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। एक पैकेज आपने और इंस्टॉल करना है, उसका नाम है npm इंस्टॉल रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप। तो ये दो पैकेजेस आपने इंस्टॉल करने हैं। तो अभी ये पैकेज इंस्टॉल होता है तो दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आप package.json में आके देखेंगे तो ये देखें रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप, ये आपने इंस्टॉल करना है और बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है। तो ये बूटस्ट्रैप का वर्जन चल रहा है 4.5, ये इंस्टॉल हो गया है। ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ था लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ npm इंस्टॉल रिएक्ट माइनस बूटस्ट्रैप, इस तरह से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अभी मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। npm स्टार्ट हम कर चुके, चले इसको भी दोबारा करते हैं। अब ये प्रोजेक्ट मैं चला रहा हूँ, आप देखें, कहते हैं नई पोर्ट पे इसको चलाना है, नई पोर्ट पे चला दें। ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। ये हमारा कोड है app.js में, इसमें दो लाइंस का कोड आप देखें। अब मैंने लिखा इम्पोर्ट बटन रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप स्लैश बटन, इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया, तो आप देखें ये रिफ़्रेश होगा, ये टेस्ट बटन है। ये बेसिकली बूटस्ट्रैप के ज़रिए यहाँ पे बटन लग गया। दोबारा देख लें, इंपोर्ट बटन रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप बटन, और यहाँ पे मैंने ये बटन जो है वो क्रिएट कर लिया। ऊपर लिखा इन द नेम ऑफ अल्लाह, उसके बाद बटन टेस्ट बटन। अभी कैसे पता चलेगा ये बूटस्ट्रैप का ही बटन है? आप यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, और इंस्पेक्ट एलिमेंट में आके आप यहाँ देखें बटन टाइप बटन क्लास btn डैश प्राइमरी, जहाँ ये लिखा हो ना आप समझें ये बूटस्ट्रैप का बटन यूज़ हुआ है। अच्छा, आप देखें इस पर css अप्लाई नहीं, तो css भी हम जैसे कि आप जानते हैं कि बूटस्ट्रैप जो है वो css का ही फ्रेमवर्क है। ये आपने सिर्फ इंपोर्ट करना है। आप देखें इंपोर्ट बूटस्ट्रैप डिस्ट css bootstrap.min.css, इसके बाद नीचे कोड में कोई चेंज नहीं आई, सेम कोड है। अब मैं इसको कमांड s कर रहा हूँ, ये सेव हो गया, और यहाँ पर आके आप आउटपुट देखें तो ये इसके ऊपर css भी अप्लाई होगी। थोड़ा सा कोड में और चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसको आप यूँ भी यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। अभी ये देखें, इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं तो ये देखें कोई चेंज नहीं आई। इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हम कॉमे के साथ बहुत सी और चीज़ें यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, लाइक कार्ड यूज़ करना है हमने, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा। अभी हमने इस लेक्चर में रिएक्ट के प्रोजेक्ट यानी रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क जो कि सीएसएस का फ्रेमवर्क है उसको ऐड करना सीखा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।